अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम, आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न मेथड ऑफ फाइंडिंग लॉगरिथम. लॉगरिथम को समझने से पहले हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. लॉगरिथम जो है वो टू टाइप्स का होता है. एक लॉगरिथम को कहते हैं कॉमन लॉगरिथम और सेकेंड जो इसकी टाइप है वो है नेचुरल लॉगरिथम. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक और नाम है जिसे ब्रिगेशियन जो है वो लॉगरिथम कहा जाता है. इसको ब्रिगेशियन जो लॉगरिथम कहा जाता है वो इसके साइंटिस्ट के नेम पे रखा जाता है. हेनरी ब्रिग्स हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कॉमन लॉगरिथम को इन्वेंट किया था. उनके ऑनर में इसका नाम ब्रिगेशियन लॉगरिथम रखा गया. इसके अलावा कॉमन लॉगरिथम को डिकेडिक जो है लॉगरिथम भी कहा जाता है, यानी इसका एक और नाम जो है वो डिकेडिक लॉगरिथम भी है. इसको डिकेडिक लॉगरिथम है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉग की बेस यूज की जाती है वो 10 होती है. यानी कि हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू, अगर हम स्टूडेंट्स कॉमन लॉगरिथम को यूज करें हैं तो जो बेस 10 है उसको हम बार बार राइट नहीं करेंगे, बस हम इसे इस तरह से लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स, यानी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 को रीड करेंगे इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स. इसके अलावा हमारे पास अब जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम. नेचुरल लॉगरिथम का भी एक और नाम है जिसे कहते हैं नेपियर लॉगरिथम. ये जो नेपियर लॉगरिथम, इसका नाम रखा गया यहाँ पर भी इसके साइंटिस्ट के नेम पर, इसको नेपियर लॉगरिथम कहा गया. जॉन नेपियर जो हैं उन्होंने 1614 में लॉग टेबल को जो है वो रिलीज़ किया था. और यहाँ पे जो नेचुरल लॉगरिथम है इसकी बेस ई यूज़ की जाती है. ई एक इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 2.71821818. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो बेस ई के साथ हम लॉग को लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू एल एन एक्स. इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से की जाती है. इसकी फर्दर डिटेल के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, कॉमन लॉगरिथम्स को स्टडी करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स में किए गए काम को, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट किया था लॉगरिथमिक फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास 2 raised to power 5 इज इक्वल टू 32 है. अगर हम इसे लॉगरिथम की फॉर्म में देखें तो हमारे पास इसका इक्विवेलेंट जो है, यह साइन जो है शो कर रहे हैं ये इक्विवेलेंट है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो इक्विवेलेंट है लॉगरिथमिक फॉर्म को, क्योंकि हमने स्टडी किया था कि जो लॉगरिथमिक फॉर्म है वो एक न्यू वे है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को देखने का, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करने का एक न्यू मेथड हमने स्टडी किया था जिसे हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस कहा था. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी इस इक्वेशन की जो है वो लॉगरिथमिक जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, लॉग, हम लॉग लिखते थे, हमारे पास जो बेस है 5 की उसको हम यहाँ पर छोटा सा करके लिखते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट है 32 उसका हम लॉग लेंगे, यानी कि इसको रीड करेंगे लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2. इसको ऐसे रीड करते हैं, log of 32 to the base 2 to base 2 is equal to 5. यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोनेंट है उसे हम यहाँ पे log के रिजल्ट में लिखते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से मैं कुछ और इक्वेशंस को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी. यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें a raised to power 0 is equal to 1 है. ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट में 0 है और नीचे बेस है और उसकी वैल्यू है 1. तो स्टूडेंट्स, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से, पहले लॉग लिखेंगे, फिर जो हमारे पास बेस है 0 की एक्सपोनेंट की उसे यहाँ पर लॉग की बेस में लिखेंगे, फिर यहाँ 1 लिखेंगे ये वाला और 0 को हम ये लिखेंगे रिजल्ट में, यानी कि a की पावर अगर 0 ली जाए तो रिजल्ट आता है 1. ये हमारे पास स्टूडेंट्स, हमने a की पावर 0 को 1 कहा है, ये हमारे एक एक्सपोनेंट का लॉग, ये हमारा एक एक्सपोनेंट का लॉग भी है जिसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी रियल नंबर हो और उसकी पावर 0 हो तो रिजल्ट 1 आता है. अब हम इसी तरह से जो है और भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं इक्वेशंस को, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को लॉगरिथमिक फॉर्म में. a की पावर, अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है a और उसकी पावर है 1 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a ही आता है. अगर आप इसे लॉग की फॉर्म में देखें तो लॉग की फॉर्म में लिखेंगे लॉग, हमारे पास ये बेस जो है वो a है और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस जो a को हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 1. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉग की फॉर्म में, यानी कि अगर आप कहीं भी देखेंगे लॉग a और a, यानी बेस भी सेम है और जिसका आप लॉग फाइंड आउट करें वो भी सेम है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ लिखा हो लॉग ऑफ 10 और यहाँ पर 10 हो
तो आंसर क्या होगा इज इक्वल टू वन, यानी बेस भी सेम है और जिसका लोअर फाइंड करें वो भी सेम है, तो रिजल्ट हमेशा वन आएगा। इसी तरह से हम और भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो है वो स्टडी कर लेते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि हम किस तरह से लॉग फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन है, ये तो स्टूडेंट्स हमने जनरल फॉर्म में लिया है ए। यहाँ पर अगर हमारे पास एक नंबर हो 10 और 10 की पावर है यहाँ पर 3, एक्सपोनेंट की फॉर्म है ये, और रिजल्ट आता है 1000, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या है कि 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, 10 10 का 100 और 100 10 का 1000 होता है। ये हमारी एक एक्सपोनेंशियल जो है वो फॉर्म है। अगर हम इसे लॉग की फॉर्म में देखें तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट्स बेस क्या है 10, यहाँ पे लिखेंगे 10, रिजल्ट क्या है इसमें एक्सपोनेंशियल में 1000, यहाँ पे हम उसका लॉग ऑफ 1000 लिखेंगे और यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे 3। log of 1000 to the base 10 is 3, इसको इस तरह से रीड करते हैं। अगर स्टूडेंट्स में एक और 10 की पावर जो है 10 की पावर्स को यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखूं और देखूं कि log की फॉर्म में क्या आता है, तो इस तरह से है log 10 की पावर जो है स्क्वेयर, यानी कि 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है 100, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हम इसे log की फॉर्म में लिखेंगे तो log of, यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है 10, 100 इज इक्वल टू 2, यानी कि 10 को बेस में लिख दिया मैंने यहाँ पर, 100 जो रिजल्ट है वो यहाँ पर ले दिया है, और 2 जो पावर थी उसको हमने लॉग के रिजल्ट में लिखा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बेस क्या है 10 है, अगर इसी तरह से बेस जो है वो 10 यूज होती रहेगी तो हम यहाँ पर 10 को नहीं भी लिखते बाय कन्वेंशन, यानी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। अगर यहाँ पर लॉग 10 की पावर 1 है, आंसर 10 है, यानी कि 10 की पावर 1 10 ही होता है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉग की फॉर्म में इसे इस तरह से लिखूंगी सिर्फ के log 10 इज इक्वल टू 1। सिंस यहां से मैंने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से log में कन्वर्जन की है, यहां पर मैंने बेस नहीं लिखी है, बेस जो थी वो क्या है 10, तो यहां पर बार बार हम 10 ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है, बाय कन्वेंशन अगर हम 10 बेस ले रहे हैं, हमेशा log में 10 बेस ले रहे हैं, तो हम 10 बेस को ओमिट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को, जो हमारी log की ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि log of 10 is equal to 1, यानी कि सिंपल फॉर्म में यहाँ मैंने बेस नहीं लिखी है। इसी तरह से हम और भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 की पावर्स में देख लेंगे, यानी कि बेस 10 यूज कर रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 यूज करते हैं, ऐसी लॉगरिथम जिनमें बेस 10 यूज होती है उनको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, और चूंकि हम कॉमन लॉगरिथम को स्टडी कर रही है तो यहाँ पर बेस जो है वो 10 ही यूज की जाएगी। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ 10 रेज़ टू पावर माइनस 1, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 का, यहाँ पर 0.1, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 का मतलब है 1/10। ये भी हमने एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक देखा कि अगर किसी भी रियल नंबर की पावर नेगेटिव हो तो हम उसका इन्वर्स लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, सॉरी यहाँ पर ए रेज टू पावर एन आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाती है। तो इस लॉ को यूज करते हुए यहाँ पर मैंने 10 रेज टू पावर माइनस 1 को 1/10 रेज टू पावर पॉजिटिव 1 कर दिया। अगर आप इसको 1/10 करें तो आंसर 0.1 आता है। स्टूडेंट्स ये हमारी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसे हमने कन्वर्ट करना है लॉग की फॉर्म में, तो लॉग की फॉर्म में देखते हैं क्या आता है लॉग। अब ये बेस 10 है और चूंकि हम कॉमन लॉगरिथम यूज कर रहे हैं जिनमें बेस 10 होती है, तो हम इस बेस 10 को राइट नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों जो हमारे पास एक्सपोनेंट है और जो रिजल्ट है उसको यूज करेंगे। लॉग ऑफ 0.1 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि log of 0.1 है उसका आंसर क्या होगा माइनस 1। इसी तरह से एक्सपोनेंट की दूसरे 3 जो है और इक्वेशंस को हम देख लेते हैं जिनमें पावर जो है एक्सपोनेंट नेगेटिव है। 10 रेज टू पावर माइनस 2 होता है 0.001 माइनस 2 में क्या है 0.01 आंसर है। ये इसी तरह से आया है जिस तरह से ये ऊपर स्टडी किया है, अभी डिस्कस किया है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिखेंगे लॉग ऑफ 0.01 का अगर लॉग लें तो आता है माइनस 2। इसी तरह से 10 रेज टू पावर माइनस 3 लें तो आंसर आता है हमारे पास एक्सपोनेंट का 0.001। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में देखें तो लॉग ऑफ 0.001 का लॉग लें तो आता है माइनस 3।
हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी देखा था कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और जो लॉगरिथमिक फॉर्म है, दूसरे का इनवर्स है, यानी कि जो हम यहाँ पर एक्सपोनेंट में ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो यहाँ पर ऑपोजिट होता है। वो इस तरह से कि यहाँ पर 10^-3 रिजल्ट है 0.001, जबकि लॉग में हम लेते हैं 0.001 का लॉग लेते हैं और रिजल्ट हमारे पास -3 आता है, यानी कि हमने एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं, पावर फाइंड आउट कर रहे होते हैं उस नंबर की जिसका अगर हम ये पावर लें तो हमारे पास रिजल्ट आता था। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमारा लॉग जो है और एक्सपोनेंशियल जो है वो इनवर्स है। लॉग एंड एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है, एक्सपोनेंट्स आर फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। और जो है लॉग को हम ये भी कहते हैं कि लॉग जो है एक एक्सपोनेंट ही है लेकिन उसकी डिफरेंट फॉर्म है। सो इस बार हमने रिवाइज किया अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि लॉग किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, हाउ टू फाइंड द कॉमन लॉगरिथम, हाउ टू फाइंड कॉमन लॉगरिथम, यानी कि प्रोसीजर क्या है जिससे हम लॉगरिथम्स को फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर का, कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉमन लॉगरिथम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टू जो है टर्म्स का होना जरूरी है। फर्स्ट जो टर्म है वो है करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है। और नंबर टू कहते हैं मेंटिसा। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट हो जाए और मेंटिसा फाइंड आउट हो जाए तो हम लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लॉगरिथम बता सकते हैं कि इसका लॉग क्या होगा। और ये हम जो लॉगरिथम का मेंटिसा निकालते हैं लॉग टेबल्स को यूज करके निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और मेंटिसा क्या होता है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे करेक्टरिस्टिक्स को, फाइंड आउट करने का तरीका देखेंगे यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं करेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर मैं लिखने लगी हूँ 2, 3.142, ये एक हमारे पास नंबर है जिसका हमने लॉग फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर किसे कहते हैं जिसमें ये पॉइंट आ जाता है। तो डेसिमल पॉइंट के इस साइड पर जो नंबर है इसे इंटेग्रल पार्ट कहा जाता है, ये है नंबर का इंटेग्रल पार्ट, यहाँ पे उसको ग्रीन कलर से लिखते हैं, ये है इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। और ये जो पार्ट है ये क्या है, डेसिमल पार्ट है, यानी पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो क्या है, डेसिमल पार्ट कहलाता है। अब चूंकि हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स है उसका ताल्लुक जो है वो इंटीग्रल पार्ट से है तो हम करेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन पहले देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, ये जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स हैं ये इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर जिसका हम लॉगरिथम फाइंड आउट करें हैं उसके इंटीग्रल पार्ट को कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स, इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स। और ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसको फाइंड आउट करने का, करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने का जो मेथड मैं आपको बताऊंगी पूरा इंटेग्रल पार्ट ही करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। यहाँ पर हम दो केसेस को स्टडी करेंगे करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन वन होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन, जो लेस देन वन होते हैं। तो इन नंबर्स के लिए हमें करेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेपरेट फाइंड आउट की जाती है। केस वन में हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स, या केस वन में पहले केस वन में लिखती हूँ कि जब वैल्यूज जो है जो इंटीग्रल पार्ट है वो ग्रेटर देन वन होगा, जो हमारे पास नंबर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा, यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट अगर ग्रेटर देन जो है वो वन होगा या नंबर जो है वो ग्रेटर देन वन होगा, नंबर
ग्रेटर देन वन होगा तो क्या होगा, करेक्टरिस्टिक सिस्टम से फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स फॉर नंबर, यहां मैं लिख देती हूँ नंबर ग्रेटर देन वन। तो ऐसे नंबर्स के लिए करेक्टरिस्टिक्स हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक नंबर मैं राइट करती हूँ 99.32। यहाँ पे पॉइंट से पहले वाला पार्ट क्या है, इंटीग्रल है। ये जो इंटीग्रल पार्ट है हमने इसको देखते हुए करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ये जो इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, वन एंड टू, तो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होगी, यहाँ पर जब भी नंबर ग्रेटर देन वन होता है, ये 99 जो है वन से ग्रेटर नंबर में आता है, तो 99 की करेक्टरिस्टिक्स जो है जितने नंबर इस डेसिमल के पहले वाले पार्ट में इंटीग्रल पार्ट में जितने डिजिट्स होंगे उनसे एक नंबर कम होगा, उसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स। यहां मैं लिख देती हूँ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, वन लेस द वन, इस केस में हमारे पास वन जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वन लेस देन नंबर नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ये इस तरह से स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो 99.32 है, अगर मुझे इसकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगी, वन। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वन, ये किस तरह से वन आई है। अभी जो मैंने यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखी है जिसमें मैंने लिखा है कि जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वन लेस, लेस का मतलब है कम होगी, वन नंबर लेस होगी देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट, यानी इस इंटीग्रल पार्ट में जितने भी डिजिट्स हैं उनसे एक नंबर कम होगी। तो यहाँ पे डिजिट्स में कितने नंबर हैं, इंटीग्रल पार्ट में कितने नंबर्स हैं, टू, वन एंड टू, तो करेक्टरिस्टिक्स हमेशा एक नंबर कम है, तो टू से एक नंबर कम करें तो आता है वन। तो सुन, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स है वन। इसी तरह से हम जो है और भी नंबर्स की देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ नंबर्स की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर है 43, 1, 2.3। यहाँ पे स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक्स जो अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है 3। ये करेक्टरिस्टिक्स जो 3 मैंने क्यों लिखी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डेसिमल से पहले वाला पार्ट जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें देखें तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो अगर 4 डिजिट्स हैं तो हमने करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है कि करेक्टरिस्टिक्स हमेशा एक नंबर लेस होती है, तो यहां से 4 - 1 करें तो 3, हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ गई 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए एक और मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि इंटीग्रल पार्ट को देखें, यानी कि डेसिमल से पहले वाले पार्ट को देखें और उसमें से एक नंबर लेस करके करेक्टरिस्टिक्स बता दें। इसके अलावा आप इसको साइंटिफिक म्यूटेशन मेथड से भी समझ सकते हैं। साइंटिफिक म्यूटेशन से हम किस तरह से करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनदर मेथड यहाँ लिखते हैं, एक और तरीका है इसका, एन अदर मेथड ऑफ फाइंडिंग करेक्टरिस्टिक्स तो स्टूडेंट्स ये मेथड में हम साइंटिफिक म्यूटेशन में नंबर को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1.02 और इसका टेबल जो है वो आपकी बुक में पेज नंबर 61 पर है। एक नंबर है हमारे पास, इसकी पहले हम साइंटिफिक म्यूटेशन लिखेंगे। साइंटिफिक म्यूटेशंस को स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया है पहले 3.1 में। साइंटिफिक म्यूटेशन में हम क्या करते हैं कि अपने डेसिमल को मूव करवाते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक और उसके बाद उसमें 10 × 10⁻¹² की फॉर्म में से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस नंबर को देखें तो यहाँ पर तो ये ऑलरेडी डेसिमल जो पॉइंट है वो 1 के नॉन जीरो डिजिट से पहले है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर साइंटिफिक म्यूटेशन में 10⁻¹० आएगा, यानी कि हम यहाँ पर कोई पावर नहीं बनती है क्योंकि डेसिमल को हमें मूव नहीं करवा सकते, तो ये 10⁻¹ क्या है, 0 है। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स को जो है, जो मैंने आपको लिखा है अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग करेक्टरिस्टिक्स, तो साइंटिफिक म्यूटेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास 10⁻¹ होती है उससे हम करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पावर इसकी 0 है, तो इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक्स भी 0 है। इससे पहले जो हमने मेथड पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि डेसिमल पॉइंट से पहले वाले जो डिजिट होते हैं उनको काउंट करते हैं और उनसे एक लेस नंबर को हम करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक नंबर 1 है, यानी नंबर ऑफ डिजिट कितने इंटीग्रल पार्ट में, 1, तो इट मीन्स कि इससे एक कम करेंगे तो हमारे पास 1 - 1 = 0, तो करेक्टरिस्टिक्स 0 है, ये हमें नंबर को देख कर ही पता चल गया है। जबकि साइंटिफिक म्यूटेशन में पहले हमें इसे साइंटिफिक म्यूटेशन में चेंज करना है और फिर जो 10 की पावर है उसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स।
इसी तरह से और दो तीन नंबर हैं जिनकी हम साइंटिफिक नोटेशन से करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना सीख लेते हैं। 99.2 ये एक नंबर है, इस नंबर की हमें करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। स्टूडेंट्स, ये वो नंबर है जिनका हम लॉग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लॉग फाइंड आउट करने से पहले हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा का होना जरूरी है। तो हम पहले करेक्टरिस्टिक्स को सीख रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स को हमने पहले इस मेथड से सीखा जिसमें हम डायरेक्ट इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट से एक लेस करके बताते थे, दूसरे पार्ट में हम साइंटिफिक नोटेशन से बता रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन, इस नंबर को जिसमें साइंटिफिक नोटेशन बनानी है मुझे, तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनाएंगे, इस डेसिमल पार्ट को हम लेफ्ट साइड पर मूव करवाते हैं तब तक जब तक हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट ना रह जाए। यहाँ इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म बनी 9.92 × 10⁻¹ क्योंकि हम कितना डिजिट मूव किया है, डेसिमल मूव किया है 1, और हमने बड़ी डिटेल में साइंटिफिक नोटेशंस को स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, 1। आपने फौरन जो है 10 की पावर को देख के बताना है, ये है करेक्टरिस्टिक्स, ये हम करेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हैं। और अगर आप दूसरे मेथड से देखें जिसमें हमने डायरेक्ट देखा था कि इंटीग्रल पार्ट के नंबर को देखना है और उससे एक लेस बताना है, तो यहाँ पे 99 क्या है, 2 डिजिट्स है इंटीग्रल पार्ट में, तो इससे कम किया तो 1 आता है, तो हमारे पास 1 जो करेक्टरिस्टिक्स है। अब हम एक और नंबर लेते हैं 102, यहाँ पर इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, 1.02 × 10⁻²। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2, क्योंकि इस पार्ट को देखा पावर को तो वो 2 थी, तो करेक्टरिस्टिक्स भी 2 है। इसी तरह से एक और नंबर है 1662.4, अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताएं तो वैसे तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स हमें पता है कि इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, 4, इनसे कम किया तो करेक्टरिस्टिक्स बनती है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हमें इस फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में इसे बनाना है, तो ये जो डेसिमल पार्ट है इसको हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे 2, 3, तो ये बन गया 1.6624 × 10⁻³। यानी कि करेक्टरिस्टिक्स आ गई 3, इस स्क्वायर की इस पावर को देखते हुए हमने यहाँ पर 3 लिखा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम करेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं दोनों मेथड से, ये था फॉर द केस ग्रेटर देन 1, नंबर जब ग्रेटर देन 1 था। अब हम जो करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने का तरीका देखेंगे, क्योंकि नंबर्स हमारे पास लेस देन 1 भी होते हैं, तो हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे इसे केस 2 का नाम दे देते हैं, केस 2, जिसमें नंबर जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1, यानी के 1 से छोटे नंबर जो होंगे 0 की फॉर्म में होंगे, तो उनके लिए हम फाइंड कैसे करेंगे करेक्टरिस्टिक्स, फाइंड करेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए एक नंबर लिखूंगी पहले, उस नंबर में हमारे पास आता है एक नंबर है 0.0062, ये एक नंबर है। यहाँ पर हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डेसिमल पार्ट के इस साइड पर हमारे पास जो जीरोज हैं हम उन्हें देखकर बताते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास जो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ करेक्टरिस्टिक्स की पहले डेफिनेशन, जिसके मुताबिक हम ये सॉल्व करें। करेक्टरिस्टिक्स जो होगी यहाँ पर वन मोर देन द नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे देखिए, तो इस जीरो को आपने नहीं देखना है करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हुए, कौन से जीरोस को देखना है, जो डेसिमल पॉइंट के इस साइड पर हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के राइट साइड पे कितने नंबर जीरोस हैं, 1 और 2, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 1 मोर, जबकि हमारे पास जो ग्रेटर देन केस था उसमें 1 लेस थी इंटीग्रल पार्ट से, यहाँ पर हमारे पास जितने जीरोस हैं उनसे 1 मोर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स, इस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इज इक्वल टू 3। यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जीरोस कितने, 1 और 2, तो 1 मोर का मतलब है ये 2 है, 1 मोर का मतलब है 3, तो यहाँ पे आगे करेक्टरिस्टिक्स 3। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव नंबर लेस देन 1 के लिए जाती है, उनमें हम यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स को पर एक बार शो करते हैं। ये बार जो है क्या बताती है, ये बार बताती है कि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो लेस देन 1 नंबर्स के लिए है। ये सिर्फ हमने कन्वेंशनली इसको लिखा है, इस -3 का मतलब -3 नहीं है,
इस थ्री का मतलब है कि जो करेक्टरिस्टिक्स है वो लेस देन वन नंबर के लिए है। तो स्टूडेंट्स इसको आप थ्री बार को नेगेटिव थ्री नहीं लिखेंगे। नेगेटिव थ्री का मतलब जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लॉग ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे ही लिख रही हूँ यहाँ पे कि लॉग ऑफ 0062 जो नंबर हमने सिलेक्ट किया था इसका लॉग है, तो लेट कर लेते हैं इसका लॉग का आंसर आया है 2.3782। ये मैंने सिर्फ लेट किया है नंबर, ये एग्जैक्ट इसका लॉग नहीं है। तो सूज यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है टू क्योंकि इसका लॉग जो था थ्री, यहाँ पे हम लिखेंगे थ्री क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेंटी सब करेक्टरिस्टिक्स बनती है थ्री 3.261। ये मैंने स्टूडेंट्स खुद से नंबर लेट करके इसका आंसर लिखा है। अगर इस आंसर में देखें तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स कितनी थी, ये टू नंबर है, टू जीरोस हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स थ्री बनी। और क्योंकि ये लेस देन वन नंबर था तो मैंने इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वहां पर बार लगाया है। इस नंबर का मतलब जो है जो मैंने यहाँ पर बार के साथ लगाया है ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये -3.261 है। इस माइनस का मतलब है, अब यहाँ पर जो माइनस अगर आप यहाँ पे साथ लगा देते हैं इस बार की जगह पर, आप समझते हैं कि ये माइनस है और यहाँ पे लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने माइनस थ्री भी कर दिया और इस डेसिमल के बाद वाले पार्ट को भी माइनस शो कर दिया है, जो कि गलत है। आपने हमेशा जब भी लेस देन वन वाली करेक्टरिस्टिक्स होगी उसको बार से शो करना है, नेगेटिव नहीं समझना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के तरीके आ गए हैं। करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हुए हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे अब बुक की, और फिर मेंटिसा को फाइंड आउट करने का तरीका देखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जांपल है ये बुक की। एग्जाम्पल में कहते हैं राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द साइंटिफिक नोटेशन एंड नोटिंग द पावर ऑफ 10। यहाँ पर हमने जो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है नंबर्स की वो हमने स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन से फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमारे पास नंबर है 0.02 और 0.00345। हमने जो करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट किया था वो दो मेथड से किया था, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन किया है बाय एक्सप्रेसिंग देम इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी बाय एक्सप्रेसिंग देम इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर उससे हम जो फाइंड आउट करेंगे अपना करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं सोल्यूशन में। हमने क्या किया था, जब हमारे पास ये कौन सा नंबर है लेस देन वन वाला, क्योंकि ये जीरो पॉइंट में है तो इसका मतलब है कि ये लेस देन वन है। इसकी जब हम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम इसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन को मेंशन किया गया है। वैसे तो हम इसे वैसे भी बता सकते हैं लेकिन यहां मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूंगी नंबर को। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वन नॉन जीरो डिजिट तक लेकर जाते हैं। इट मीन्स कि ये आ गया 8.72 × 10⁻¹। क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में डिस्कस किया था कि जब हम लेस देन वन नंबर वालों को साइंटिफिक नोटेशन करते हैं तो डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव करते हैं और माइनस शो करते हैं जितने डेसिमल नंबर को आपने मूव किया होता है। यहाँ पर कितना डेसिमल मूव किया है, वन, तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव वन लगाया है। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। अब इसकी मदद से हम बताएंगे अपने करेक्टरिस्टिक्स को। तो करेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि जो 10 की पावर होती है वही करेक्टरिस्टिक्स होती है। लेकिन ये माइनस वन का मतलब वन बार है, माइनस वन नहीं है। तो मैंने इसलिए इस माइनस वन को चेंज करके वन बार में लिख दिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये तो हमने साइंटिफिक नोटेशन मेथड से किया है। हमने जो दूसरा मेथड पढ़ा था जिसके मुताबिक हमने कहा था कि डेसिमल पॉइंट है इसके राइट साइड पे जितने जीरोस होंगे उनसे एक ज्यादा होगा करेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे तो कोई जीरो नहीं है तो इसका मतलब है इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वन। यहाँ पे जीरो नंबर है, जीरो मतलब कि कोई भी जीरो नहीं है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स फिर एक ज्यादा करें तो वन होती है। तो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में स्पेशल उसने साइंटिफिक म्यूटेशन का नाम यूज किया है। तो इस तरह से हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ गई वन बार। अब हम फाइंड आउट करते हैं 0.02 की करेक्टरिस्टिक्स। 0.02 इसकी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है, ये पार्ट टू है कह दे इसे, ये पार्ट वन था। तो यहां पर हमने करेक्टरिस्टिक्स को करने से पहले हम इसे साइंटिफिक म्यूटेशन में चेंज करेंगे, यानी मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर हम डेसिमल पार्ट को लेके जाते हैं वन टू, नॉन जीरो डिजिट तक लेके जाना है तो कितना आ गया 2 × 10⁻²। तो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या है, माइनस टू, ये है करेक्टरिस्टिक्स। मैं लिख देती हूँ करेक्टरिस्टिक्स, ये सोल्यूशन है
सॉल्यूशन बल्कि यहाँ से स्टार्ट हो गया था जिसमें हमने साइन रिप्रेजेंटेशन में चेंज किया था, तो करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू टू बार, माइनस टू नहीं है, टू बार है, माइनस टू का मतलब टू बार है। अब जो हमारे पास थर्ड वाला था उसमें हमारे पास नंबर है 0.00345। इस नंबर की हमने करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ये तमाम नंबर्स जो हैं वो लेस देन वन वाले हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। 0.00345 की साइंटिफिक नोटेशन है डेसिमल पार्ट को राइट साइड में मूव करवाएं नॉन जीरो डिजिट तक, 1, 2, 3, 3.45 × 10^5 कितना हमारे हैं 3, तो माइनस 3 क्योंकि हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं 1, 2 और 3, तो माइनस 3 इज द करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो है 3 बार। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मेंटीसा फाइंड आउट करने का तरीका देखेंगे। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने कॉमन लॉगरिथम को फाइंड आउट करने के लिए जो हमें करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा रिक्वायर्ड था, इसमें हमने करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने का तरीका सीखा है। करेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट्स हमने टू केसेस को डिस्कस किया, एक केस जिसमें नंबर जो है ग्रेटर देन वन होता है और दूसरा केस जिसमें नंबर जो है वो लेस देन वन होता है। हमने देखा कि किस तरह से करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंटीसा को फाइंड आउट करना सीखेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।